आरोप लगाया था कि पिछले दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है, और कई नेताओं ने तो ये भी कहा कि अब जबकि गुलाम नबी आजाद को नजरअंदाज किया गया है, ये एक बड़ा मौका भी है, ना वो आजाद हुए हैं राजनीति से ना उन्हें होने दिया जाएगा। ये वो नेता थे जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें लेटर लिखा था और लोकतांत्रिक तरीके से नेता चुनने के लिए, अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव की मांग की थी। ऐसे ही गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल समेत कई और बड़े नेता कल जम्मू में मौजूद थे, और माना यह जा रहा है कि ये G23 के नेता जुड़कर वहां कांग्रेस नेतृत्व को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। केरल में कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया जिसमें बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुई है। 3 दिन पहले केरल में एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। केरल में चुनाव है लेकिन राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। मैम, नंदू की जो हत्या हुई है उसमें आप लोग की मांग क्या है सरकार से? हमारी लगातार मांग ये है कि जो सही लोग हैं, अबू बकर, इस्माइल कोया, ये सब मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो इस सब के कांड के पीछे हैं और जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार हैं। किसी को फ्रंट बना के कुछ और लोगों को पकड़ लेना वो काफ़ी नहीं है। लेकिन PFI से ही जुड़ा राजनीतिक संगठन है SDPI, उसके 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। SDPI के लोगों को जो हिरासत में लिया गया है वो इन सब हत्याओं के मास्टरमाइंड नहीं है। जो मास्टरमाइंड है उनको आपने खुला छोड़ा हुआ है ताकि वो अगली हत्या की तैयारी करें। तो आप लोग की मांग है कि PFI पर भी बैन लगाया जाए? PFI पर बैन लगाया जाए, SDPI के खिलाफ, और इन सबको, सारे मामलों को NIA को सौंपा जाए ताकि जो कनेक्टेड, जो लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इनका पैसा विदेशों से आ रहा है, कौन सी ताकतें हैं इनके पीछे, उन सब की